रहीम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको रिस्क के बारे में बताने जा रही हूँ, इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुने ताकि आपका ईमान मुनव्वर हो, हदीस का सवाब आपको भी मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने इनके हुक्मरानों ने अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसला ना किया, अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसला ना किया और अल्लाह के कानून में से कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कर देंगे। जब आप अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कुल नहीं करते और अल्लाह पाक की नाफरमानी करते हो तो फिर अल्लाह पाक भी आपको सजा देते हैं। और एक बात याद रखे, कोई ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी सजा हमें दुनिया में ही मिल जाती है और कई इतने बड़े होते हैं जिसका आखिरत में हमको हिसाब देना होता है। इसी के साथ आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर आप किसी कारोबारी मसले में परेशान हैं, जॉब के मसले में परेशान हैं, अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप रोजी चाहते हैं, रिस्क चाहते हैं, उसमें बरकत चाहते हैं, तो फिर चार रफ्त नफल चाश्त की नियत से अदा करें। चार नफल को चाश्त की, यानी कि जो सुबह के 10 बजे का टाइम होता है ना, 10 बजे के टाइम चाश्त के नियत करके, यानी चाश्त की नमाज पढ़नी है, नियत आपने चार नफलों की बस करनी है। नमाज पढ़ने के बाद सुबह में जाएं और 100 मरतबा आपने या रज़ा को पढ़ना है। हर महीने में 7 दिन ये अमल करना है, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपका रिस्क कभी कम नहीं होगा। अगर आप ये अमल वो लोग करें जो रिस्क की बंदिश की वजह से परेशान है, फाका कशी में मजबूरी की वजह से परेशान है, कोई भी जमीन के ऊपर अलार्ज कोई भी मसला है या कोई भी परेशानी है, उसके लिए ये अमल करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।